अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदनान इन्फो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो में आपको यह सिखाऊंगा कि आपने टेक्स्ट नो कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आप सबको इसकी वीडियो बना के आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, वो भी फ्री और किसी वीपीएन के बगैर और कोई ऐप इंस्टॉल किए बगैर, और साइन अप भी करके दिखाऊंगा आप सबको, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये वीडियो में आप एंड तक देखना है, ठीक है जी। वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना है और वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना है, तो नहीं तो आपको सबको समझ नहीं लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना। सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट नो डाउनलोड। मैंने टाइप कर लिया है, सर्चिंग हो रही है, देख रहे हैं। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा होगा सॉफ्ट मनी वाली वेबसाइट, आपने वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। ये देख रहे हैं, अब मैंने निशान सर्कल भी लगा दिया है निशान का। अब आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है जी। फ्री डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपने फ्री डाउनलोड अगेन क्लिक करना है। मैंने फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। आप ये देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। पहले एक मैसेज आएगा कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं, आपने ओके कर देना है, ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं एक मैसेज आएगा, ये देखिए मैंने ओके कर दिया, फिर ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं मिस नहीं करना वरना आपको समझ नहीं लगेगी। अब आपने क्रोम पे चला जाना है डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन पे, देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रही है या नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप सबको समझ अच्छी आ जाएगी समझ इसकी। अब ये देखिए टेक्स्ट नो डाउनलोडिंग हो रही है और बहुत जल्दी फास्ट लिंक है, इसलिए जल्दी हो रही है डाउनलोडिंग भी। स्टेप बाई स्टेप देखना है वीडियो को, फिर अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। ये देख सकते हैं टेक्स्ट नो डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। अब आपने ना फाइल मैनेजर पे चले जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपने वहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन से भी चले जाना है, वहाँ से टेक्स्ट नो को वो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से नहीं होगा इंस्टॉल, ठीक है जी। ये देखिए टेक्स्ट नो आ गई है इधर, अब मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉलिंग हो जाएगी स्टार्ट। अब आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आपको समझ लगेगी वरना नहीं समझ लगेगी। और आप इस वीडियो में आप सबको ये भी बताऊंगा कि इसको रजिस्टर कैसे करते हैं इस पे अकाउंट टेक्स्ट नो पे फ्री। आप इसका नंबर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी करें। अब आप ये देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने डन पे कर देना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। अब मैं आपको इस पर अकाउंट बनाने का तरीका भी बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है टेक्स्ट नो ऐप। टेक्स्ट नो को मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल से करना है, इसे रजिस्टर आसान हो जाएगा आप सबके लिए। इस पे क्लिक करने का थोड़ा इंतज़ार करें ना, फिर जीमेल वाले ऑप्शन आ जाएंगे, फिर वहाँ से कोई भी जीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं आप सब जो आप लगाना चाहते हैं। अब आपने कोई भी जीमेल सेलेक्ट करना है, अगर आपका एक है तो वो भी एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हेड कर रखे हैं अपने जीमेल पर इसी के लिए।
गेटिंग अ फ़ोन नंबर स्टार्टिंग हो गई है। अब आपने ये चेंज एरिया कोड पे क्लिक करना है। चेंज एरिया कोड क्लिक करने पे आपको मैं कोड दूंगा, वहाँ पर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अब कोई भी इनमें से लगा सकते हैं एरिया कोड। मुझे USA का नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने UA का नंबर का एरिया कोड लगाया है। अब आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपका अकाउंट डेस्कटॉप पे बन गया है। फिर आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है वेरीफाई करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए इसकी सारी सेटिंग। सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब आप इसकी सारी सेटिंग जो है नीचे वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ आई यूज़ टेक्स्ट नाउ, मैंने इट्स माई मेन नंबर पर क्लिक कर दिया है। अब आपने अपनी ईयर्स सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी ईयर्स हो। फिर उसके बाद माई इंटरेस्ट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने न्यूज़ कर लिया सेलेक्ट। अब आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या लड़की हैं, जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कंप्लीट हो गया हमारी वेरिफिकेशन सब कुछ। अब आप इसका नंबर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।